आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवनों में जोड़ा ताकि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और तारीफ कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस रविवार के दिन में जब हम अपने घरों में इकट्ठे हैं, इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड करते हैं। आइए मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति के बलिदान चढ़ाएं और उत्साहित हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। आइए आरंभ में हम प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, तू महान है प्रभु जी, और हमारे जीवन में लगातार प्रभु जी बड़े बड़े कार्यों को तू करता है, इसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन जब हम मिलकर स्तुति और आराधना को करते हैं और प्रभु जी तेरे वचन में से सीखते हैं, होने पाए प्रभु जी हम अपने जीवनों में और आगे बढ़ने पाएँ, तेरे अभिषेक से भरने पाएँ पिता परमेश्वर, और प्रभु जी पिता परमेश्वर हम उत्साहित हो जाएं और प्रभु जी दूसरे लोगों के लिए और ज़्यादा आशीष का कारण बनने पाएं प्रभु जी पिता। तब परमेश्वर तेरे सामर्थ के कार्यों का प्रकटीकरण हमारे जीवनों में होने पाए पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस वक्त में प्रभु जी एकाग्रचित होके तेरी महिमा को करना चाहते हैं, हमारी मदद और अगुवाई कर। इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। मेरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं, सुनो कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन। आइए मिलकर स्तुति और आराधना को करेंगे, आनंद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति महिमा के बलिदान को चढ़ाएंगे।
us worship our God. धन्यवाद देते हैं प्रभु का, प्रभु की उपस्थिति का आज के इस दिन में जो हमारे जीवनों में पाई जाती है, वो जीवित उपस्थिति प्रभु की। हालेलुया, हम सब जीवित हैं, ये प्रभु की महाकरुणा का फल है और उस जीवित प्रभु की आराधना को हमने किया है। और आइए हम सब मिलकर वचन को सुनेंगे। मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि प्रभु का वचन जो प्रभु की आत्मा ने उन्हें दिया है वो हमारे सामने प्रेषित करें। प्रेज द लॉर्ड। I believe God is still working in your life. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर लगातार आपके जीवन में कार्य कर रहा है। The Father God who is in heaven, He is full of love and He looks after you. परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है और वो पूरा प्रेम से भरा हुआ है और वो लगातार आपको देख रहा है। God is our heavenly Father. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। And God, our heavenly Father, is love. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता प्रेम है। Last Sunday we were learning about the heavenly Father's who is unchanging. पिछले रविवारों में हमने सीखा कि जो परमेश्वर है वो ना बदलने वाला स्वर्गीय पिता है। We learned that God
our heavenly father is unfailing. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी असफल नहीं करने वाला पिता है. We learn God our heavenly father is a generous father. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता एक उदार पिता है. And we also learn God our heavenly father is a merciful father. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता दयावान परमेश्वर है. And this Sunday we are going to learn and hear that God our heavenly father is a redeeming father. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता छुटकारा देने वाला पिता In है. Isaiah chapter 63 verse 16 it says. यशया उसका 63 अध्याय और उसका 16वां पद. It says, "Doubtless you are our father, though Abraham was ignorant of us and Israel does not acknowledge us. You, O Lord, are our father, our redeemer from everlasting is your name." निश्चित तू हमारा पिता है यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है प्राचीन काल से यही तेरा नाम है. God our heavenly father is a redeeming father. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता छुटकारा देने वाला पिता है. Who is redemptive of all he does. और जो कुछ भी वह करता है वह उसमें छुटकारा है. You know, even everything seems lost to us, he looks for ways to redeem. यद्यपि हमें लगता है कि सारी चीजें खो गई हैं, परंतु उसमें भी परमेश्वर हमें छुटकारा देता है. To recover, to restore, to rebuild and lift us up to the greater glory. ताकि हमारा पुनः निर्माण हो सके और हम पुनः स्थापित हो सके और ऊंचे पे उठाए जा सके. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. God wants to recover us, restore and rebuild us. परमेश्वर हमें चाहता है वापस से पुनः निर्माण करना पुनः स्थापित करना. And he is always looking for the ways for us to, so that we can be restored. और परमेश्वर लगातार ऐसे रास्तों को देखता है कि हम वापस से पुनः निर्माण हमारा हो सके. It is about the relationship that we have with our God, our heavenly father. यह उस रिश्ते के बारे में है जो हमारा स्वर्गीय पिता के साथ है. You know my friends, I want to tell you and encourage you, he is always looking for the ways to redeem us. मेरे मित्रों इस बात से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर लगातार ऐसी बातों को करता है ताकि हम छुटकारा प्राप्त कर सकें. You know we see the people in Israel when Jesus was talking about this story. हम यहाँ पे देख रहे हैं इज़राइलियों को जहाँ पे परमेश्वर कई कहानियों के बारे में बात कर रहा है. There are three categories of people. यहाँ पर तीन स्तर के लोग हैं. Who is a good neighbor? कौन एक अच्छा पड़ोसी है? You know there were three people, three kind of people. Those who came and gone, but one stayed back and looked after this man who was in need. यहाँ पर तीन स्तर के लोग पाए जाते हैं. दो जो कि एक समान है परंतु एक स्तर का एक व्यक्ति है जो कि उस समय में उस व्यक्ति की मदद करता है और उसकी देखभाल को करता है. My friends, God, our heavenly Father, in the same way. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता उसी प्रकार से है. He does not leave us into our trouble and he goes out, runs away, but he is the one who looks after us. वह कभी भी समस्याओं में हमें छोड़ता नहीं है और चला नहीं जाता, परंतु वह रहकर हमारी देखभाल He is our good friend. वह हमारा अच्छा मित्र है. And he is always looking a ways to help us. और लगातार वह ऐसे रास्तों को देखता है जहाँ पर वह हमारी मदद कर सके. God, our heavenly Father, is an accepting Father. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता ग्रहण करने वाला पिता है. In Ephesians chapter 1 verse 4 to 6 it says like this. इफिसियों का पहला अध्याय उसके 4 से 6 वचन में हमें देखने मिलता है. Just as he chose us in him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेत मेत दिया.
He has chose us before the foundation of this world. उसने हमें संसार की उत्पत्ति के पहले ही चुना. You know, He accepts us. वह हमें ग्रहण करता है. He delights in us. वह हमें आनंद मनाता है. And He looks at us with the eyes of love. और वह प्रेम भरी दृष्टि से हमें देखता है. Hallelujah. 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 You know, He does not ask us to go first clean ourselves from all our sins, from all our bad works, and then come to Him. वह इस प्रकार से नहीं कहता कि पहले जाकर तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने पापों को धो और उसके बाद में आकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा. My friends, He accepts us as we are. वह हमें ग्रहण करता है हम जैसे हैं वैसे ही. Many people having a wrong conceptions about Him. कई लोगों का बहुत ही गलत विचार है उसके बारे में. They think that they have to do good things. They have to do good things and qualify to earn Him. वह इस बारे में सोचते हैं कि उन्हें अच्छे कार्यों को करना है ताकि वह इस बात को पा सकें, ग्रहण करने की बात को पा सकें. They will be only accepted by God if they do a good things. परमेश्वर उनको तभी ग्रहण करेगा जब वे अच्छे कार्यों को करेंगे. It's not true. यह सच नहीं है. There is a mercy seat. एक अनुग्रह का सिंहासन है. And we can come to that mercy seat with the grace. हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकते हैं. दया पाने के लिए. And my friends, I want to encourage you and tell you that you can come as you are. और मेरे मित्रों, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, आप जैसे हैं वैसे वहाँ आ सकते हैं. It's not our good works that qualifies us to be loved by Him. यह हमारे अच्छे कार्य नहीं है जो हमें उत्तीर्ण करते हैं ताकि परमेश्वर हमसे प्रेम करे. But it is the blood of Jesus Christ that qualifies us to come to the mercy seat. परंतु यह प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें योग्य बनाता है कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकें। My friends, we are accepted as we are. हम वैसे ही ग्रहण किए जाते हैं जैसे हम हैं। And what He has made us in to be in the Christ. और इस बात के लिए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें बनाया है. Now we do not have to achieve in order to be accepted by Jesus Christ or by God. परमेश्वर हमारे पिता के द्वारा ग्रहण किए जाने के लिए हमें कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. We do not have to get the applause of the people or approval of the people to be accepted by God our Heavenly Father. हमें लोगों की बढ़ाई की या लोगों के उत्साह की जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाएं. My friend, we are no more rejected. हम अयोग्य नहीं हैं. That's a good news. यह एक अच्छा समाचार है. And this says because we are not rejected, we are accepted by God, our Heavenly Father. और यह बात इस तरीके से है कि अगर हम अयोग्य नहीं हैं, तो हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए गए हैं. God, our Heavenly Father, is a Father of abundant grace. परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता बहुतायत की दया करने वाला पिता. God is our Heavenly Father and He is a full of grace. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और वो पूरा दया से भरा हुआ परमेश्वर है. And He lavishes us His grace when we do not deserve. और वह अपनी बड़ी दया से हमको भरता है और हम पे बड़ी दया करता है जब हम उस दया के योग्य नहीं हैं. It's very simple. यह बहुत ही आसान है. He is favorable and kind to us. वह हमारे लिए अनुकूल है और हमारे प्रति अच्छा है. Hallelujah. 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 Many times when we deal with the people, we are not so gracious. जब कभी हम बहुत लोगों के साथ में व्यवहार को करते हैं, तब हम दया नहीं रखते हैं. Many times people, when people deal with us, they are not gracious. जब कभी लोग हमारे प्रति व्यवहार को करते हैं, तब उनमें दया नहीं पाई जाती. We always try to qualify ourselves to get the grace. हम लगातार अपने आप को उस स्तर में लाना चाहते हैं जहां पर हम पे दया की जाए. We are looking that we should not fail people.
हम लगातार ऐसी बातों को करना चाहते हैं जहां पर हम लोगों के लिए असफल ना हो। We try to do good enough so that we can be qualified and accepted by people। हम बहुत अच्छे कार्यों को बहुत अच्छा करना चाहते हैं ताकि हम लोगों के सामने उत्तीर्ण हो सके, असफल हो सके। My friends, we were not once finding favor from God, but God with His loving kindness has given us His favor। मेरे मित्रों, हम उस दया के योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर उस दया को किया है। Many times we think that our good works, doing, living a good life will make us or qualify us। कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि हमारे अच्छे कार्य जो हम करते हैं या अच्छी बातें हमें उत्तीर्ण करेंगी उस परमेश्वर की दया को पाने के लिए। It will make us accepted by God when we do things that is right। और जो अच्छे कार्य हैं वह हमें परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य बनाएंगे। My friends, I want to tell you, as you are, you will find the favor of God। मेरे मित्रों, जैसे हम हैं वैसे ही हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे। You will find favor of God to love Him and to know Him। हम परमेश्वर के साथ को पाएंगे उसको प्रेम करने के लिए। Hallelujah, 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 Hallelujah। And also you will find His abundant grace। और आप उसकी बहुतायत की दया को भी पाएंगे। And you will find, when you find the grace of God, abundant grace of God, you will be more gracious towards others। जब आप उस बहुतायत की दया को पाएंगे तब आप बहुतायत की दया को कर पाएंगे। Hallelujah, Hallelujah। Because God first extend His abundant grace to us। क्योंकि परमेश्वर पहले अपनी बहुतायत की दया को हम पर करता है। In Ephesians chapter 2 verse 7 says। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसका सातवां पद। That in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus। Once again I'm reading this for you। That in the ages to come He might show us the exceeding riches of His grace in His kindness towards us in Christ Jesus। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। Yes, exceeding grace। उसकी असीम दया। Hallelujah, 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 Hallelujah। My friends, this is for you and me। यह आपके और मेरे लिए है। In Romans chapter 5 verse 17 says like this। रोमियो उसका पांचवा अध्याय और उसका सत्रवां पद। For it by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gifts of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया, we will reign into the eternal life through Jesus Christ। हम उस अनंत जीवन में राज करेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Because of that abundant grace। उस बहुतायत की दया के कारण। हालेलुया, 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 हालेलुया। And my friends, this is for you and me। हाँ, और ये आपके और मेरे लिए है। We just heard that God, our heavenly Father, is a redeeming Father। अभी हमने सुना कि हमारा स्वर्गीय पिता छुटकारा देने वाला पिता है। We learned God, our heavenly Father, is an accepting Father। परमेश्वर हमारा स्वर्ग पिता ग्रहण करने वाला पिता है। God, our heavenly Father, is a Father of abundant grace। परमेश्वर हमारा स्वर्ग पिता बहुतायत की दया करने वाला पिता है। And this is my prayer for you all। और मेरी प्रार्थना है ये आपके लिए। That you may find His grace। कि आप उसकी दया को पा सकें। That you will find your redemption। कि आप अपने छुटकारे को प्राप्त कर सकें। And you will feel that you are accepted। ताकि आपको ये लग सके कि आप ग्रहण योग्य हैं। My friends, know your father। मेरे मित्रों, अपने पिता को पहचाने। Know your father। अपने पिता को पहचाने। It's not about our identity।
यह हमारे व्यक्तित्व के हमारी पहचान के बारे में नहीं है. इट इज नॉट अबाउट आइडेंटिटी. यह हमारी पहचान के बारे में नहीं है. इट इज नॉट अबाउट आवर आइडेंटिटी. यह हमारी पहचान के बारे में नहीं है. बट इट इज अबाउट आवर फादर्स हार्ट. परंतु यह हमारे पिता के हृदय के बारे में है. यस माय फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू मेनी टाइम्स आवर आइडेंटिटी कम बिटवीन इन बिटवीन आवर रिलेशनशिप विद गॉड द फादर. हां मेरे मित्रों, कई बार हमारी पहचान हमारे और हमारे स्वर्ग पिता के रिश्ते के बीच में आती है. टेक इट आउट. इसे निकाल दें. टेक इट आउट. इसे निकाल दें. लेट हिज आइडेंटिटी बिकम आवर आइडेंटिटी. होने पाए कि उसकी पहचान हमारी पहचान बन जाए. हालेलुया. 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 यू नो माय फ्रेंड्स, मेनी टाइम्स द सिचुएशंस एंड द पीपल अराउंड अस दे मस्ट नो दैट हु इज आवर फादर. हां मेरे मित्रों, हमें जानने की आवश्यकता है कि जो लोग हमारे चारों हो रहे हैं वे जानने पाए कि हमारी पहचान हमारे स्वर्ग पिता की पहचान से है. हालेलुया. 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 वी बिलोंग टू अ फादर हु इज द क्रिएटर ऑफ All this universe. हम अपने स्वर्ग के पिता के हैं जो कि इस पूरे संसार का रचयिता है. He is the father and the creator of galaxies. वह हमारा स्वर्ग के पिता पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला है. Hallelujah. Hallelujah. And that maker of all the galaxies, the maker of all universe is our father. हाँ, और वह पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला परमेश्वर हमारा स्वर्ग के पिता है. Hallelujah. Hallelujah. And this is the relationship that we hold and we need to hold it tight. हाँ, और यह वह एक रिश्ता है जिसको हमें संभालने की आवश्यकता है और उसको पूरे सामर्थ्य के साथ पकड़ने की आवश्यकता है. Love your God the Father with all your heart. अपने पिता को, अपने परमेश्वर को अपने पूरे हृदय के साथ प्रेम करें. With all your understanding. अपनी पूरी समझ के द्वारा प्रेम करें. Hallelujah. Hallelujah. With all your might. अपनी पूरी सामर्थ्य के द्वारा प्रेम करें. Whatever you have, love the Lord your Father God. जो कुछ आपके अंदर है वह है उसको प्रेम करें. Hallelujah. 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 Because our Father God loves, likes to beloved. क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता ये चाहता है कि हम उसको प्रेम करें. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Always remember. हमेशा याद रखें. Always remember. हमेशा याद रखें. That you have a redeeming father. कि आपके पास एक छुटकारा देने वाला पिता है. That you have a accepting father. कि आपके पास एक ग्रहण करने वाला पिता है. And that you have a father full of abundant grace. और आपके पास एक पिता है जिसके पास पूरी बहुतायत की दया है. Hallelujah. Hallelujah. And he loves you. हाँ, और वह आपसे प्रेम करता है. He loves me. और वह मुझसे प्रेम करता है. No matter who we are. इसे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं. What we have done. हमने क्या किया है. He still loves us. परंतु फिर भी वह हमसे प्रेम करता है. Maybe it, you may think it is very terrible thing that I have committed. और आप और मैं ये सोच सकते हैं कि हमने एक बहुत ही भयानक कार्य को किया है. But the God, our Father who is in heaven, still loves us. परंतु परमेश्वर हमारा स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में है वह हमसे प्रेम करता है. When he looks at you and me, जब वह आपको और मेरे को देखता है, he looks at through the blood of Jesus Christ. वह हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा देखता है. And when he looks at us through the blood of Jesus Christ, और जब वह हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा देखता है, he finds no fault in us. वह हमारे अंदर कोई गलती को नहीं पाता है. Hallelujah. 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 When he looks through the blood of Jesus Christ, जब वह हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा देखता है, he looks at us as his own sons and daughters. वह हमें खुद के बेटे और बेटी के रूप में देखता है. Hallelujah. 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 Let's reflect our Father God on this earth. आइए हमारे स्वर्गीय पिता के प्रतिबिंब बनकर हम इस संसार में दिखें. Hallelujah. Hallelujah. Let us reflect him on this earth. आइए हम उसकी परछाई बनकर इस पूरे संसार में रहें. Amen. 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 Let's pray. Close our eyes and look to the Lord in prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें. Father God, we thank you for this wonderful opportunity
opportunity, Lord, to talk about your love, talk about your grace, talk about your abundant redeeming love, Lord Father, that you are our redeeming Father, that you are accepting Father, that you are a Father of abundant grace, God Father, and you want us to hold close to you, Lord Father. You want us to know that you love us, God Father, and you also want us to love you, God Father. We pray, God, help us to grow more strong in you, Lord Father, to love you, Lord, to glorify your name, Lord Father. And whatever we do, Lord Father, help us, Lord Jesus. What we do is not more concern for us, Lord Father, but what we are is more concern for us, Lord Father. Help us, Lord Jesus, to become a child who is full of grace, full of love, and full of redemption, oh God Father. A child who knows that his or her father loves, God Father. Help us, Lord Father, to be that child, oh God Father, growing in your love, Lord Father. We thank you for loving us, and we say we love you, Father. Hallelujah. We thank you, Lord. I pray this time for the people, Lord Father, those who are sick, that you stretch out your hand, Lord, healing hand, Lord Father, and heal them. Those who are going through the rough situations, oh God Father, tough times, oh God Father, losing jobs, Lord, not having enough salaries, oh God Father, I pray that you provide them a good job, oh God Father. Help them to find their faith in you, Lord Father. Help them to grow more strong in you, Lord Father. And I also pray, Lord Father, that your love, Lord Father, take care of them, Lord Father. I pray, Lord Father, help us to grow more strong in you, Lord. Bless us together, God Father. We pray this prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. I believe you are blessed. मेरा विश्वास है कि आप आशीषित हुए If you are blessed, अगर आप आशीषित हुए please share this message with others. तो इस संदेश को दूसरों के साथ बांटें. So they may be also blessed. ताकि वे भी आशीषित हो सकें. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.